तो सरकार की तरफ से इंडिया लाल कॉरपोरेशन ने एक खास तरह के शौर्य चूल्हे का निर्माण किया है। इस चूल्हे का नाम शौर्य नूतन दिया गया है। यह चूल्हा पूरी तरह से शौर्य ऊर्जा से चलेगा और इसमें खाना पकाने में किसी तरह की ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस चूल्हे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो सूर्य नूतन चूल्हा है, यह सूर्य की किरणों से चार्ज होगा और खाना पकाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इसे किचन में रखा जा सकता है और इसे बार बार बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नूतन को ख़रीदने के लिए आपको एक बार ही पैसा खर्च करना है और बाद में किसी प्रकार का इसमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। इस चूल्हे के प्रयोग से प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलने वाली है। सूर्य नूतन चूल्हा रिचार्जेबल है और घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला कुकिंग स्टोव है। उस चूल्हे को जैविक ईंधन का सबसे अच्छा विकल्प बताया जा रहा है। आयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के दिल्ली स्थित आवास पर इस चूल्हे को लॉन्च किया गया। इस स्टोव पर 3 टाइम का खाना पकाया गया और परोसा भी गया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि यह सोलर कुकर से बिल्कुल भी अलग है। इसे सूर्य की रोशनी या धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूर्य नूतन चूल्हे को फरीदाबाद स्थित IOC के रिसर्च और डेवलपमेंट डिवीज़न में तैयार किया गया है। यह चूल्हा हमेशा ही किचन में रखा रहता है तथा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसे धूप में निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक केबल लगी होती है जो कि छत पर लगी सोलर प्लेट से जुड़ी होती है। सोलर प्लेट में पैदा होने वाली ऊर्जा केबल के जरिए चूल्हे तक आती है और इस ऊर्जा से ताप ऊर्जा पैदा होती है जिससे खाना पकता है। सोलर प्लेट सूर्य की किरणों को सोख कर ऊर्जा में तब्दील करती है और यह ऊर्जा ही ताप ऊर्जा में बदलती है जिससे कि हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है और उस पर हम अपना खाना तैयार कर सकते हैं। इससे पहले सौर ऊर्जा से पैदा हुई एनर्जी को थर्मल बैटरी में भी स्टोर किया जाता है जो कि बाद में किचन में रखे चूल्हे पर खाना बनाने में मदद करती है। दिन में ली गई सौर ऊर्जा से तो खाना तो बनता ही है, साथ साथ ही थर्मल बैटरी में स्टोर ऊर्जा से रात में भी इस चूल्हे की मदद से खाना बनाया जा सकता है। 4 लोगों के छोटे परिवार के लिए यह चूल्हा आराम से 3 टाइम का खाना बना सकता है। इसके अलावा दोस्त, इस चूल्हे को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरियों में, जिसमें इसमें लंच, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट, और लंच और ब्रेकफास्ट यानी कि 3 तरीके से बनाया गया है जिनका अलग अलग प्राइस है और उनकी प्राइस के हिसाब से उनकी क्षमता रखी गई है। यानी कि 4 लोगों के ज़्यादा बड़ा परिवार होने से भी इस पर हम खाना आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, लगभग इसके अगर पैसे की बात करें तो इसका इतना ही प्राइस होगा कि जो आप एक वर्ष में 4 लोगों का एक परिवार जो है 1 या 2 साल में जो सिलेंडर्स यूज़ करता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, उस पर जितना एक्सपेंस होता है उसके एक्सपेंस में ये चूल्हा आपका आ जाएगा और 1 या 2 साल के बाद ये बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। यानी कि उसके बाद इस पर किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होगा क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री है। अगर आप इसे सावधानी से प्रयोग करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस भी नहीं है। दोस्तों, अभी इस चूल्हे की जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है, लेकिन जो सरकार और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिल करके जब इसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा इसका, तो इसकी कीमतें और भी कम हो जाएंगी जिससे कि ये हर घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। दोस्तों, अभी इस सूर्य नूतन चूल्हे का सिर्फ प्रोटोटाइप ही लॉन्च हुआ है जिसे देश भर में 60 जगहों पर आजमाया गया है। आने वाले समय में इस चूल्हे की कमर्शियल लॉन्चिंग होगी और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 18,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच होने वाली है, जो कि सरकारी मदद मिलने के बाद 10,000 रुपये से घटकर 12,000 रुपये, 10,000 से 12,000 रुपये हो जाएगी। और इस चूल्हे की जो लाइफ होगी वो एक बार आप ख़रीदने पर इसे आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बार आपने 10 से 20,000 रुपये लगभग खर्च कर दिए तो आप 10 साल तक इजीली इसे बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी खर्चे के चला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी अपडेट इसके बारे में अगर आती है तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।